那还有十年了吧？三年不缺的。现在我这餐已经三年干了。जय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जय पानर केड़ो नसला। नसल असली परी। हां दोस्तों, ये भाई बता रहे हैं कि ये जो नसल है ये आप देख सकते हैं कि ये बरी नसल है। चैन की क्या खासियत होती है, बरी नसल की क्या खासियत होती है? याड को आम बरी नसल जो केड़ी खासियत होती है बाबा? ये ना हरण जो खार। अच्छा, माने हनन जा चाचा हरण जो धारी ना है ना? जी जी। अच्छा चाचा बता रहे हैं कि इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल हरन जैसी होती है, और इनके जो सींग होते हैं आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह, ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इनके जो आप सींग इनके देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत ही, आप ये सींग देख सकते हैं इनके, बिल्कुल सींग जो होते हैं वो हरन की तरह होते हैं, और इनके कान बिल्कुल छोटे होते हैं, और ये कद की भी छोटी होती हैं, आप देख सकते हैं। हरण जा बचा है ना जाती ना हरण जा। अच्छा, हरण जा बचा नहीं दी ना हरण छटपो तो इन ने ये बचाओ थी ना सागिया हरण। अच्छा अच्छा, हरण साहब लागो पोती से। अच्छा दोस्तों, एक रोज है ना नड़ो, एक रोज हेराई छटिए तो बारी बाका के नो पर तो कौन बे नो वडू नड़ो तुम्हारा इतरे छटपो एकदम तैयार थी ना कर खाई पी। दोस्तों चाचा बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर छोटा सा हरण छोड़ा जाए तो वो बिल्कुल उसी की तरह, मतलब ये जो बकरियाँ होंगी या वो जो हरण होगा वो बिल्कुल इन्हीं की तरह बिहेव करेगा और इनके साथ खाएगा पिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हरण जैसी हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। चाचा ये शौक किए कयो पान कदा का थियो हेडी जो भाई यहां नवा जड़ा शौक ध्यान इन्हें जड़ा 15 साल का। अच्छा, पान के 10-15 साल थिया। दोस्तों चाचा बता रहे हैं कि इनको ये शौक हुआ है तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं। हां, इतरो ही है पक्का। अच्छा चाचा, जदा ता शौक कयो तो ता घणी वती बकरियों? अच्छा, किथे 5 पे मिलियों, किथे 3 पे मिलियों, किथे 6 पे मिलियों, एड़े आधार माना। अच्छा दोस्तों, भाई बता रहे हैं, चाचा बता रहे हैं कि ये हमने जो बकरियां ली हैं कहीं से 2 कहीं से 3, क्योंकि ये बहुत कीमती नस्ल है, तो इसलिए कहीं से 3 कहीं से 4, मतलब बिल्कुल जो है वो मतलब मखसूस इलाकों से ये मतलब बकरी खरीदी गई हैं। वो चोडीन दी बाकाई दे इतरा छ चोडीन दे जन जा 50,000 लख लख खायो ने। अच्छा, पान भी क्यों है नाम खणियो ने ना बड़ा अमीर है। दोस्तों चाचा बता रहे हैं कि ये अगर इनका नस्ल अच्छा होगा तो ये तकरीबन 50,000 या 1 लाख तक भी बिक सकती हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो बिल्कुल हरन जैसी है। ये जो नस्ल है नुमाइश में जाने वाला ये नस्ल है। अच्छा, नुमाइश में ये जाने वाला नस्ल है। अच्छा बाबा, ही सनार छलो सामो बिठाने ये यार, मत फोटो कर ले। अभी ये जो बच्चा है ना, ये 50,000 में मालिक नहीं देगा। अच्छा, 50,000 में मालिक नहीं देगा? नहीं देगा। अच्छा, क्यों बोला? इसमें कौन सी खसूसियात है? खसूसियात ये है कि ये शौक की है। अच्छा, ये शौक की शौक पीते हैं। अच्छा, वैसे तो ये गोश्त के हिसाब से तो 5,000 का भी नहीं है। अच्छा, लेकिन शौक के हिसाब से ये 50,000 का है। मालिक 50,000 में नहीं देगा ये। अच्छा, 50,000 में नहीं देगा? ये 2-3 बच्चे देती है। अच्छा, 2-3 बच्चे देती है 6 महीने में? 6 महीने में 2-3 बच्चे देती है? देती है। अच्छा, 12 महीने में ये 4 बच्चे भी देती है। जी, ये नस्ल के हिसाब से होती है। अच्छा, नस्ल की। और कुछ हमें इनकी खसूसियात बताएंगे, क्यों मशहूर है? ये हर किसी के पास नहीं होंगी। अच्छा, ये हर किसी के पास नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसको इसमें तो जो बछड़े निकलते हैं ना, जी जी, उनमें 5 बच्चों में 2 बच्चे काम के होते हैं। अच्छा, 2 बच्चे काम के होते हैं, बाकी 3 बच्चे गोश्त के हिसाब से बिकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब के सामने ना, जी जी, इसका सींग ये कान है, पूंछ का हिसाब है, जी जी, टांगों का हिसाब है। अच्छा, एक बकरी को पकड़ कर दिखाएं, मतलब आप हमें दिखाएं उनकी खासियत बताएं। जी जी, इसके कान है ना, जी जी, बिल्कुल आंखों के ऊपर होने चाहिए। अच्छा, आंखों के ऊपर होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, यही खुशी है इसमें, मेन चीज है। ओ, वो बकरी बच्चे, वो बकरी बच्चे इन्हें मां।
हिसाब किताब है ना जी जी, ये सारा इसी चीज में होते हैं। झले के फुटवा अच्छा यो हुको यहां यन हुको यहां या हरण हां इनके बस आईने झले देते जी जी। इसके सिंग जो हिरन के तरह है। अच्छा इसके सिंग हिरन की तरह है माशाल्लाह। ये जो है ना जी जी हाड़ भी ये फोटो पर अब हमें खसूसियात बताएं इनकी। इनकी ये जो कान है ना जी जी बिल्कुल आंखों की तरफ होने। अच्छा आंखों की तरफ होने चाहिए। बड़े आंखों से थोड़े ऊपर होने चाहिए। ऊपर होने चाहिए जी। और इसके सिंग है ना वो डायरेक्ट ऊपर होने चाहिए। अच्छा और ये इसकी कद है ना ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा इनकी कद कितनी है अभी? बस इतनी ही होती है। अच्छा इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा इनके कानों की कितनी इंच है जी? इनके कानों के कितने इंच होते हैं? 3 इंच के होते हैं। अच्छा 3 इंच के ज्यादा नहीं। और सींग इनके कितने इंच होते हैं? बड़ी मेहरबानी आपसे मिलकर बहुत खुशी। थैंक यू।